नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है। इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग 200 क्वेश्चन के करीब ख़त्म कर चुके हैं, इसमें बात करने वाले हैं 201 से आगे। तो याद रखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके लेक्चर हैं वो सभी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो हमारा 201वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार स्थित है आपकी कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है आपका दूसरा, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर आपके कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है तीसरा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। JNU कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन चार, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपका बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। क्या है? फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पाँच, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? यह आपका लखनऊ में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, हाथी गुफा कहाँ स्थित है आपकी? हाथी गुफा आपकी उड़ीसा में स्थित है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका आठ, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। क्या है? लाहौर में स्थित है। क्वेश्चन है नौ, क्वेश्चन कौन सा नौवा, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु आपका नेपाल में है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में शाहजहांबाद। क्वेश्चन है ग्यारह, जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका दूसरा बारह, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? शक्ति स्थल आपका दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन है तेरह, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका चौदह, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? मैसूर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पंद्रह, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर आपका सेतु कोलकाता में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन है आपका 16, बुलंद दरवाज़ा कहाँ का निर्माण किसने कर बनवाई थी? ये अकबर ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 17, दिल्ली का प्रसिद्ध वैद्यशालय है जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। क्वेश्चन है आपका 18, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 20, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये आपका कोसानी। क्वेश्चन है आपका 22, कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्ण सागर राज आपका मैसूर में स्थित है। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिए, ये आपकी जो भी ये PDF होती हैं ये सभी आपकी
टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन है आपका 23। सारनाथ में किस सम्राट का स्थम है? सारनाथ में आपका अशोक का स्थम है। क्वेश्चन है आपका 24। अमरनाथ गुफा स्थित है? अमरनाथ गुफा आपकी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन है आपका 25। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स आपकी मेघालय में है। क्वेश्चन है आपका 26। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो याद रखना, राजा मानसिंह तोमर ने। क्वेश्चन है आपका 27। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो याद रखना है, उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा? कौसाम्बी। कौन सा है? कौसाम्बी। क्वेश्चन है आपका 29। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है पांडिचेरी में, क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 30। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार आपकी इटली में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31, क्या है? पिरामिड स्थित है आपका है मिस्र में, पिरामिड आपका मिस्र में स्थित है। क्वेश्चन है आपका 32। एफिल टावर स्थित है? एफिल टावर आपका पेरिस में है। एफिल टावर आपका पेरिस में है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? पशुपतिनाथ आपका मंदिर स्थित है काठमांडू में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34। माउंट एवरेस्ट स्थित है? माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 35। लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर आपका ब्रिटेन में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36। रेड स्क्वायर स्क्वायर कहाँ स्थित है? आपकी है मॉस्को में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 37। पंजसिर सिर घाटी कहाँ स्थित है? यह आपकी अफगानिस्तान में, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 38। क्या है क्वेश्चन? 38। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फार्म आपका डरबन में स्थित है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 39। तक्षशिला स्थित है? तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है। ठीक, क्वेश्चन है आपका 40। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह आपका यूएसए में, सी ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन है आपका 41। क्या है 41? भारत का सबसे पुराना स्मारक है, पुराना स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफाएं। ठीक है, पुराना स्मारक आपका अजंता की गुफाएं है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है? तो याद रखना, भावनगर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 43। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना है, अशोक ने, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 44। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माण करता है? तो याद रखना, परवेज शाह, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 54। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजगीर में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 46। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु उपयुक्त होती है? याद रखना है, जीवाश्म की, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 47। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 48।
झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पिज़्ज़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका इटली में, सी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका 49, निम्नलिखित में से किस स्थान की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखना हम्पी, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 50, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता आपका कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है 51, क्या है क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र आपके एलोरा हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, राजधानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है? तो याद रखना बूंदी, क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 53, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो याद रखना है पारसिया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आपका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन है 56, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 57, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो याद रखना है गौतम बुद्ध, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 58, पारसी धर्म के संस्थापक हैं? पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर, ठीक है, जोरोस्टर। क्वेश्चन है आपका 59, सेंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो याद रखना मिकादो, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 60, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नारायणी नदी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 61, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 62, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए कौन थे? तो ये थे आपके ऋषभदेव, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 63, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैन तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? तो याद रखना महावीर जी। क्वेश्चन है आपका 64, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जी को। क्वेश्चन है आपका 65, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 66, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव ने, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर, क्या है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 69, क्या है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका कोलकाता में, दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन है आपका अगला 70, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने? क्वेश्चन है आपका 71, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये आपका मदुरै में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 73, वड़ौली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो याद रखना, बेसर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 74, क्या है 74? सैवड बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना, चामुंडा राय ने। क्वेश्चन है 75, क्या है 75? क्वेश्चन है 75, कौन सा बेहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य बर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो ये है आपका अंकुरवाद मंदिर, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 77, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मूर्ति आपकी सैवड़ बेलगोला में है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 78, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका वीरभूमि, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो याद रखना, राजीव गांधी जी से, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने, किसने? नूरजहां ने। क्वेश्चन है आपका 81, अंकुरवाट कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 82, एफिल टावर के डिजाइन कौन थे? तो ये थे आपके सर गुस्ताक एफिल, डिजाइनर सर गुस्ताक एफिल थे। क्वेश्चन है 83, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है USA में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 84, विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इटजा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? मैक्सिको में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 85, निम्नलिखित में से किस विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो याद रखना, सालार जंग संग्रहालय को, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 86, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ हैं? गृह मंत्रालय, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 88, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जॉन्स, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 89, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलोर में, ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 91, क्या है क्वेश्चन है 91, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो याद रखना, 6, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52, चेरापूंजी का नया नाम क्या है? सोहरा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 93, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन है आपका 94, सांची का महान स्तूप स्थित है? सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन है आपका 95, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेंचुरी के लिए, सेंचुरी के लिए, ठीक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 96, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन है 97, क्या है 97?
प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये है आपकी मुंबई के समीप महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन है 98, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना अशोक वर्धन। ठीक, अशोक। क्वेश्चन है आपका 99, निम्नलिखित में राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 300, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये थे आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब 301 से आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 300 तक अभी तक खत्म कर चुके हैं।